आखिर इतने दिनों में मैंने इस बुक को पढ़ के ख़त्म ही कर दिया। ऐसी कहानी जहाँ प्यार और प्रेम के लिए कोई जगह ही नहीं है। इंसान की इच्छाएं, उसके संघर्ष और उसकी डरावनी कहानियों के बारे में सब कुछ इस किताब में लिखा गया है और श्री कुमार ने इस कहानी को लिखा है। और उसका एक ख़ास दोस्त है फिलिप, जिसने मुझे ये डायरी दी है। ये सिर्फ एक डायरी नहीं है, कथा नहीं है और ना ही कोई फ्यूचर है। लेकिन श्री कुमार ने अपने आप तक इस डायरी को सीमित नहीं रखा है। इसके पहले ही पेज पर लिखा है कि कोई भी इस किताब को पढ़ सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के हम इस किताब को पढ़ सकते हैं। श्री कुमार की फैमिली के बारे में ज़्यादा कुछ तो मुझे पता नहीं है, पर इस डायरी से इतना ज़रूर पता चलता है कि उन्होंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से और पैसों की तंगी के कारण लाइफ में बहुत सारी परेशानियों को झेला है। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर इस टेक्नोलॉजी के युग में हमारी मातृभाषा और कल्चर का विनाश होते हुए, ये भूमि, मनुष्य और निसर्ग का विनाश होते हुए, जब उसका कोई विरोध करता है तो उसको कोई आशा ज़रूर मिलती है। श्री कुमार की जो ये डायरी है, इस सब के बीच में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगा और सिर्फ एक बात बोलकर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। शुरू की कुछ बातों पर मुझे भी थोड़ा संदेह है, क्या सच में ये एक कहानी है? नहीं तो फिर ये है क्या? ये सब कुछ अब पढ़ने वाले की समझ पर है। अगर वो सही है तो उसकी लिखी हुई कहानी का अंत अब आपके हाथों में है। दादाजी, ये लोग स्कूल में पढ़े कुछ शब्दों के बारे में आपसे पूछेंगे। इन शब्दों को आपके जमाने में कैसे प्रयोग होता था, आप बताइए। पूछिए बच्चों। नानी, दादी माँ, खाना, कपड़ा, किताब, थ्रेड। ओके, रुकिए, आपके भाषा में एक गाना गाएंगे? हाँ ठीक है। बहुत अच्छा है, स्प्लेंडेड वर्क। ओह या, क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये कैरी ऑन। थैंक यू मैम। फोन। जस्ट अ मोमेंट। या, वेयर आर यू? आई कांट हियर यू प्रॉपर्ली। यू जस्ट टेल मी। सी, आई टोल्ड यू 1,000 times। It is just impossible. You know it very well. Chintu and Soju are not interested in keeping in touch with me. I shall call you later. I am in a meeting. Call from Harsh. He is going to Texas from Michigan. Let him go anywhere. Ma'am, may. Where you are up to, man? I am terribly lonely. Why can't we get along? Thank you. अरे, पूरी लाइब्रेरी उठा के ले आए क्या? श्री, नेक्स्ट वीक ओपन डिफेंस, यू मस्ट कम। ओके। अरे श्री कुमार, वो तुमसे एक बात करनी थी मुझे। प्रिंसिपल ने डिसाइड किया है कि तुम्हारे वाउचर को रिचेक करना है। लेकिन क्यों? 3 महीने पहले तुम उन आदिवासी को लेकर आए थे ना? हाँ। उन लोगों को तुम टैक्सी में क्यों लेकर आए थे? बस में नहीं ला सकते थे क्या? उन लोगों के लिए सेपरेट रूम क्यों लिया है? उनको गेस्ट हाउस में नहीं रुकवा सकते थे क्या? ऐसा उन्होंने बोला है। ये क्या है सर, वो लोग भी तो इंसान ही है। यहाँ दूसरे देश से शेख लोग आते हैं, सेमिनार पेपर तैयार करने के लिए दूसरे लोगों को लेकर आते हैं। वो लोग 5-star होटल में दारू पीते हैं, अय्याशी करते हैं और मजे करते हैं, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? देखो श्री कुमार, तुम मेरे खास हो इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई है। अभी मुझे क्या करना है? देखो, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है श्री कुमार, ये सब यहाँ के रूल्स हैं।
कल तुम मैडम से मिलके उन्हें कैसे भी कन्विंस कर देना, फिर तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है। मैम आपका ड्रेस सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है। रियली फैंटास्टिक। या ये चेन आपने कहाँ खरीदा मैम? इट इज फ्रॉम मिलन। आपके ऊपर ये साड़ी अच्छी लगी। हाँ। योगा करने से आप इतने स्लिम हो क्या मैम? ओ तो आप योगा भी करते हो मैम? ऐसा कुछ नहीं है। व्हाट इज दिस? मैनर्स नहीं है? रूम के अंदर एंटर करने से पहले नॉक क्यों नहीं किया? मैडम आपने बुलाया? जब मैंने बुलाया था तब क्यों नहीं आए थे? व्हाट्स द टॉपिक? डू यू स्टिल रिमेम्बर इट? एनी हाउ इट इज नॉट एनीथिंग कनेक्टेड विद ट्राइबल डांस और म्यूजिक। यस मैम। एट व्हाट वे यू आर डूइंग दैट विद दोज ट्राइबल पीपल? वेयर दे ब्रॉट हियर फॉर योर मेरीमेकिंग? यू हैव कंप्लीटेड 4 years एज अ रिसर्चर, लेकिन अब भी तुझे लिंग्विस्टिक डिसिप्लिन के बारे में नहीं पता है। ये कोई कुमार व्यास की कविता नहीं है और बसीर की कोई कहानी भी नहीं है। It is a science, and in study of any science demand, discipline works as responsible behavior. Understand? Now get out. Thank God, correct time पर वो आ गए। मैडम ने इसे सही से पढ़ाई नहीं है। कैसी हो? अरे काफी दिन हो गए मिले हुए। मैं करूंगा पर मैडम लगता है वो मानेंगे नहीं। अरे तुम तो क्लैश तो नहीं है बट आई एम श्योर शिवान। पापा कैसे हैं? उनकी तबीयत ठीक हो गई? नहीं मैंने बोला था कि हॉस्पिटल में दिखाते हैं। ए सुन, इवनिंग में जेजा की बर्थडे पार्टी है, हमें उसमें जाना है। और वो हार्ड डिस्क कहाँ है? बेड के नीचे है। एडमिट किए बिना घर पे ही दवाई चले तो ठीक नहीं है? मैंने भी वही पूछा था। तुमको तुम्हारे पिताजी के अलावा और कोई लेटर भेजता है क्या? जय कुमार तुम ठीक हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? आशा है कि सब ठीक है। यहाँ के बारे में तो तुमको पता ही है ना? अभी तक तुम्हारी चाचा की कोई खबर नहीं आई है। एक बात और बतानी थी, विदेश से कुमार सर का लेटर आया है। उन्होंने पूछा है कि श्री के लिए बहुत सारे लड़कों के रिश्ते आ रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। बैंक का भी 2 बार नोटिस आ चुका है। सुनो बेटा अभी तुम्हें यहाँ आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। इस बारे में सोचना। तुम्हारे पिताजी। अगर देखा जाए तो आजकल की टेक्नोलॉजी उन्हें समझ नहीं आती है। वो लोग जैसे पहले जीते थे वैसे जी नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उन लोग अपनी भाषा खोनी पड़ रही है। उन्हें जीने के लिए उनकी आदतें, उनकी सारी जरूरतें। ये क्या है? ये ट्राइब्स के बारे में विचार है या राजनीति की प्रचार है? इस जगह में भाषा की मेथोडोलॉजी को किसी ने कभी यूज ही नहीं किया है। श्री कुमार की कंक्लूजंस को हेस्टन एंड शैलो पहले ही बता चुके हैं पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस थीसिस के चैप्टर 1, 3 और 7 में जो भी बात लिखी गई है उसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। लेकिन हम सभा में जरूर आएंगे श्रीमान। श्री कुमारन के थीसिस सोशल लिंग्विस्टिक में वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशन कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। इनके ऑब्जर्वेशन के अनुसार ओन रिलेशनशिप बिटवीन न्यू सोशल इंफॉर्मेशन एंड लिंग्विस्टिक क्राइसिस आर वंडरफुली ब्रिलियंट। ब्रेव न्यू आइडियाज, ऑफ कोर्स वी ऑल वेलकम देम, पर ट्राइब्स के बारे में रिसर्च कंक्लूजन को कलेक्ट करने के लिए ये थीसिस इनकम्प्लीट है। वर्क साइट में 3 जर्नलिस्ट का नाम गलत दिया है। 2 सब्जेक्ट के लिए ईयर ऑफ एप्लीकेशंस नहीं है। सो यू शुड रीवर्क एंड रीसबमिट दिस थीसिस आफ्टर 6 मंथ्स।
मैं डॉक्टर जयलक्ष्मी की बात से सहमत हूँ। आई स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। प्रोफेसर की बात 100% सही है। इट इज सिंपली एंड डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन। पर्सनल दुश्मनी इसमें बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसकी 4 साल की मेहनत को आप बस 4 बातें बोलकर नीचा दिखा रहे हैं। तो उसका क्या हुआ? क्या बोलेंगे, कह रहे हैं स्कॉलरशिप नहीं देंगे। ये ब्यूरोक्रेसी सब जगह पर है। अरे मुझे खाना नहीं दिए। मैस फी ना देने की वजह से खाना भी कट हो गया। ऊपर का ऑर्डर है। अरे ये किस तरह की हरकत है? ये सब तुम उनसे ही जाके पूछो। ये किसी को नीचा दिखाने जैसी है। ऊपर से ऑर्डर आया है तो हम क्या कर सकते हैं? अरे कौन ऊपर वाला? तुम चुप रहो। अरे हम चुप रहेंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा। ए मुसीबत मत खड़ा कर, तू खाकर आ, मैं बाहर खड़ा हूँ। कुमार मुझे माफ कर देना, मुझे भी तो ऑर्डर ऊपर से आते हैं। वो सब छोड़ो भासु भाई, तुम सारे बच्चे मेरे बेटे की तरह ही तो हो। अच्छा बेटा सुनो, मेरे कमरे में चलो, भूखे मत रहो, मेरे साथ खाना खा लेना। वो सब नहीं चाहिए, इट्स ओके भासु भाई। जय लक्ष्मी के अधिकार को खत्म करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय लक्ष्मी के अधिकार को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। शिव कुमार को न्याय दो, 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 श्री कुमार को न्याय दो, खत्म करना चाहिए। जय लक्ष्मी के अधिकार को खत्म करो, खत्म करो, सिस्टम का पालन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। श्री कुमार को न्याय दो, न्याय दो। नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं ये सब कुछ छोड़ दूंगा। श्री ऐसा क्यों बोल रहे हो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब ठीक नहीं होने वाला है। तुम टेंशन मत लो, अगर वहाँ सिचुएशन खराब है तो आप इधर आ जाओ, हम कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम इधर आ जाओ। ठीक है मैं कॉल करता हूँ। श्री श्री एक बैड न्यूज है, तुम्हें सस्पेंड करने के लिए नोटिस लगा है। लिखा है कि डॉक्टर विजयलक्ष्मी के खिलाफ तुम लोग जाने की कोशिश किए हो, 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है और आपको कुछ टाइम के लिए इस कैंपस में नहीं रहना है। अब तुम क्या करोगे? श्री थीसिस की वैल्यूएशन रिजल्ट आ गई है, सब कुछ पॉजिटिव है। हाँ ऐसे क्या हो गया? हे क्या हुआ? इधर ध्यान दीजिए, मैं जो भी बोलता हूँ ध्यान से सुनकर बताइए। अ आ ये क्या है? सब इधर ध्यान दीजिए। अ आ ई ई उ उ ए हा
सब एक साथ बोलो, वहाँ क्या देख रहे हो? इधर देखो, हाँ, ए ए ए, हाँ, मार खाओगे तुम लोग। सब इधर देखो, हाँ, ए ए। मुंबई वाले उतरो, मुंबई वाले उतरो, चलो चलो जल्दी करो, चलो उतरो। चर्च स्टॉप वाले उतरो। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी चढ़ो, चलो चलो जल्दी करो। क्या है, है? ऐसा है को बोलो कि घमंड में बात ना किया करे। अगर पैसा नहीं दिया तो हाथ काट दूंगा। उसको बता दो एक और बार जेल जाने में मुझे अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मार के फेंक दूंगा। सोचता क्या है मेरे बारे में? मैं मंदिर जाके आता हूँ, उसके बाद कौशल्या दरवाजा बंद कर दो, ठीक है? हेलो, मैं आ गया। तुम उधर ही रुको, हाँ। मैं आती हूँ। ठीक है। क्या दूं सर? एक चाय। चाय? ए, उठो यहाँ से, बैठने दो। नहीं नहीं ठीक है। हाँ, गाड़ी आ गई। चलिए आप लोग बैठिए, कोई लेडी ना चढ़े, सिर्फ आदमी चढ़े। हाँ चढ़ जाओ, चलो जल्दी चलो। हाँ आजकल तो सारे के सारे नवाब हो रहे हैं, बिल्कुल। जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो। श्री आओ बैठो, इस पिग फॉर्म में मैं काम करती हूँ। अपना होटल एकदम सेफ है रे। हाँ तू जब चाहे लेके आ सकता है, और पुलिस का भी मैं बाद में कॉल करता हूँ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। क्या चाहिए मैडम? रूम चाहिए। सिंगल या डबल? सिंगल।
सिंगल रूम में फैसिलिटीज कम है मैडम। जितना है उतना काफी है। रेंट कितना है? 250 रुपए। सर एड्रेस? ये ले चाबी, मैं निकल रही हूँ। मुझे जाते जाते बस स्टैंड तक छोड़ दो ना। अरे ये क्या कर रहे हो श्री? जो भी है एडजस्ट कर लो, मैं शाम को मिलती हूँ। ये लो कुछ पैसे पकड़ो। चलो ठीक है सर। की? सेकंड फ्लोर सर। हाँ ठीक है। हाँ, बुक निकालिए। जो लोग कल गए थे उनका अकाउंट निकालिए, मुझे देखना है। निकालिए। देखिए। डेविड भाई है? वो डिस्पैच फाइल कहाँ है? देखो डिस्पैच फाइल उधर ही होगा। इधर कहाँ? वो येलो फाइल के ऊपर ही है। स्नेहा मैडम, आपको जीएम बुला रहे हैं। अबे तू अकाउंट्स देख रहा है या इधर देख रहा है? अरे मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ। ए सुन, कल तुमने एलिमिनेशन राउंड देखा? बहुत दुख हुआ यार, यह तो बाहर गया। उसी समय मेरी सासू माँ कुकिंग प्रोग्राम देखती है, इसलिए मैं सो गई थी। कुकिंग के लिए पागल है वो। तुम दोनों सीरियल देखते हो ना? उल्लू की तरह वो क्यों देखते हैं? छे, हमेशा सीरियल देखना है। इस लड़की को फाइल मिल गया, सीरियल की कहानी, कुकिंग प्रोग्राम, कोई एलिमिनेट हो गया। अच्छा डेविड, कल तुम कहाँ थे? मैं अकेला कितना काम करूँगा? यहाँ का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। यहाँ का लोड आने जाने का काम भी मुझे ही देखना पड़ता है, और सारा ऑर्डर का काम मुझे ही देखना पड़ता है, क्योंकि मैं ट्रेड यूनियन का आदमी हूँ ना। अरे मैं तो आज डर ही गया। आज अखबार पढ़ने के बाद पता चला कि वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा के बीच में क्या हुआ। डेविड तुम इनको पागल समझ रहे हो, ये पागल नहीं है। मैं? अयो, उस लड़की को वो फाइल मिल गया? हाँ, मिल गया होगा। साफ सफाई में हमारे फार्म में कोई कमी Good नहीं morning, होगी। स्नेहा, ये है सिस्टर मारिया, वेटरनरी कॉलेज में। इन्हें फार्म हाउस दिखा दो। सिस्टर आप जाइए इनके Please साथ। Come. कैसा है? ब्यूटीफुल। ये इंडिया का सबसे अपडेटेड और सबसे बड़ा पिग फार्म है। पता है, इसलिए हमने स्टडी टूर यहाँ रखा है। यहाँ सिर्फ पिग नहीं, हैन, पिकल, सब कुछ है। हाँ मैडम, आप उसके फोटोज जरूर ले सकते हो। हाँ वो सब ले लो। स्नेहा, ये लोग कौन है? वेटनरी स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। आई एम सिस्टर मरियम। हेलो, मैं डॉक्टर डेनियल हूँ। ठीक है। ओके। आपका नाम क्या है? नैंसी। हाँ, बढ़िया नाम है। तो आ जाओ, मैं तुम्हें सब कुछ दिखा देता हूँ। तो मैं ऑफिस जाऊँ सर? नो नो, स्नेहा तुम साथ में चलो। आइए। अच्छा सुनो, तुमने मुझे इस सब के बारे में बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। हाँ चलो, यहाँ के लोग मेरे अपने जैसे ही हैं। ओहो सो रहे हो, यहाँ से बहुत अच्छी क्वालिटी का मांस मिलता है। एक स्वस्थ मेल पिक का वेट 300 से 400 किलो के आसपास होता है। एक फीमेल पिक का वेट लगभग 220 से 300 किलो के आसपास होता है। हे, खाना दे दिया है क्या इनको? ठीक है। ये एक मीडियम साइज का वाइट कलर का एक अच्छा ऑप्शन है, और यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से ठीक ठाक है। दिस इज बक्सेर पिग, इसका नेटिव प्लेस इंग्लैंड है। इसमें फैट बहुत कम है। इसको बेक किया तो बहुत अच्छा होता है। सिस्टर अभी बहुत सारा एरिया कवर करना है, तो आप चलकर इतना थक मत जाइए। स्नेहा आप सिस्टर को ऑफिस लेके जाइए, इन लोगों को मैं सारा एरिया एक बार घुमा देता हूँ। नो नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। मैं आप लोगों को एक सीक्रेट दिखाता हूँ। चिन्नास्वामी सर, तुम उस चिंडन को यहाँ लेकर आओ जरा। ओके सर, ये लो खाओ।
खा लो चलो चलो ये मैडम चिंदन है, आप लोगों को ये देखकर कुछ समझ में आया क्या? नहीं आया हो तो मैं समझा देता हूँ। ये सारे फीमेल पिग हैं और ये सब इस समय हीट में हैं और ये सब इस समय मेल पिग को ढूंढ रहे हैं। तिम्मा सर, तिम्मा, हाँ लगता है जल्दी होना चाहिए। जाओ जाओ। देखिए सब लोग ध्यान से देखकर समझिए, ये आपकी हायर स्टडीज में बहुत यूज होगा। आ जाओ यहाँ से, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। बच्चे कहाँ चले गए? सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? जाओ। हाँ प्रवीण, श्री कुमार मेरे बेस्ट फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहा है, बीच में डिसकंटिन्यू हो गया, उसकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम है, उसे संभालने के लिए एक काम की ज़रूरत है, तुम्हारे ऑफिस में कुछ काम मिल जाए तो। सॉरी स्नेहा, यहाँ कोई काम नहीं है, जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें ही संभालना मुश्किल हो रहा है, तुम बुरा मत मानना इस बात का। ओके मैं करती हूँ। इट्स ओके, तुम परेशान मत हो, जिस फॉर्म में मैं काम करती हूँ उसके हेड मेरे पापा ही हैं, उनसे ऑलरेडी मैं तुम्हारे बारे में बात कर चुकी हूँ, तुम इतने पढ़े लिखे हो के फॉर्म में काम ना करो, इसीलिए मैंने प्रवीण को कॉल किया था। चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी मुझे कोई भी काम चलेगा, मेरी रिसर्च भी इनकम्प्लीट है और काम भी नहीं है तो मैं भी कुछ भी कर लूंगा, घर पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, अभी तक पापा को कुछ भी पता नहीं है। इट्स ओके श्री, सब ठीक हो जाएगा, तुम चाय पियो। हाँ कल ही तुम आके जीएम से मिल लो। हिंदी में PhD, वाह बढ़िया। हाँ स्नेहा प्लीज कम इन। लुक मिस्टर श्री कुमार, सच में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, वो शेखर ने बताया, इसीलिए मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच, बट वन मोर थिंग, इट्स अ टेम्पररी पोस्ट, ओके? हाँ स्नेहा इनको परचेज सेक्शन में छोड़ दो। हाँ ओके सर, ओके मैन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आ जाओ, अब तो तुम खुश हो ना? क्यों तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाय स्नेहा, तुम अच्छी लग रही हो। ये कौन है? ये श्री कुमार है, मेरा फ्रेंड, आज ही ज्वाइन किया है। श्री ये डॉक्टर डैनियल है, यहाँ के मेडिकल इंचार्ज। हेलो सर। ओके बाय। बहुत बोलता है ये, डिस्गस्टिंग। किसी कंपनी ने हमें रेट फिक्स करने को कहा, तभी हमने डिसाइड किया, अब क्या हुआ, सारी चीज की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल और डीजल 3 रुपए बढ़ गए, सब चीजों की कीमत बढ़ गई। अरे सोने का कीमत कितना बढ़ गया है ना? ये श्री कुमार है, मेरा फ्रेंड है, आज ही ज्वाइन किया इसने। हेलो, ये है कुमार, ये लीनल और अश्वती, मैं हूँ, ये डेविड भाई हमारे एम्प्लॉय यूनियन के सेक्रेटरी। लेट मत कीजिए, आज ही हमारे साथ मेंबरशिप ले लीजिए, क्यों कुमार? अरे ये अभी तो यहाँ आए हैं, थोड़ा टाइम तो दो इनको डेविड। अच्छा डेविड भाई, आप ही के क्वार्टर में श्री कुमार को एकोमोडेट करना है। इसमें क्या है, कर देंगे, बाद में इनके बारे में आप सबको इंट्रोड्यूस करूंगी। चलो श्री। देखने में मुझे तो ये अच्छा लड़का ही लग रहा है। जब तुम यहाँ पर आए थे तब मुझे भी ऐसा ही लगा था। एनी दीदी, ये है श्री कुमार। हेलो। ये तुम्हारा चेयर है, अभी मुझे कुछ काम है, तुम यहाँ आराम से बैठो। Thank you.
मार के फोड़ मत देना। अरे यही खोलने का स्टाइल है मेरा। इस बोतल को खरीदने में मुझे कितना दुख हुआ है मुझे ही पता है। थोड़ा डालो। वो जो मुंबई से आया है ना उसे भी पीना मत सिखा देना कहीं। ठीक है ठीक है, वो भी बात सही है। आओ तुम भी पी लो वन स्मॉल। नहीं। अरे पी लो ना भाई। नहीं 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 पीना है तो जाओ। मैं इसे पिला तो सकता हूँ पर मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई बिगड़ जाए। सब एक ही बार में मत पी जाना, हाई स्टैंडर्ड लोगों के लिए कुछ स्टैंडर्ड है। सब कुछ अनदेखा करके तू जो एक घूट में सारा पी रहे हो, मुझे ये सब एक साथ पीना अच्छा नहीं लगता है। मुझे अभी कुछ और दिन जीना है, पी पी कर लीवर जल्दी नहीं सड़ाना है। अरे अच्छे से खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं वो नीचे है। नहीं नहीं खाया। स्नेहा मैं बाद में कॉल करता हूँ। हाँ लक्ष्मी। तुम कहाँ हो? तुमने फोन क्यों नहीं उठाया? पता है मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? तुम घर पर हो? हे सुन तो रहे हो ना? हाँ सुन रहा हूँ। क्या काम किया है तुमने? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा। तुम्हारा प्लान क्या है? रिसर्च कंप्लीट नहीं करना है क्या? अच्छा मेरी बात सुनो। मैडम से मिलकर उनको सॉरी बोल दो। थोड़ा एडजस्ट करके चलोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। पकड़ो। हाथ देना जरा। अभी तो बाकी है ना? भाई बिल में तो 250 आइटम है और लोड में सिर्फ 200 आइटम है, ऐसे कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता, 50 आइटम कम है। अरे यहाँ पर ऐसा ही होता है, तुम अपने अकाउंट्स में बराबर एडजस्ट कर दो। अकाउंट में सब सही है भाई। सुनो भाई, तुमने स्कूल में जैसा पढ़ा है यहाँ वैसा अकाउंट्स नहीं होता है। मैं खाना खा के आता हूँ। क्या है ये सब तुमने क्या लिखा है? चार चीजें पढ़ना लिखना आ गया तो तुम कुछ भी लिख दोगे क्या? परचेज बिल का अकाउंट्स, स्टॉक का एंट्री टैली नहीं हो रहा है। सर मैं लोड ठीक से ही चेक कर रहा था, लोड कम ही था इसीलिए मैंने उसे मार्क करके रखा है। आई डोंट वॉन्ट एनी ब्लडी एक्सप्लेनेशन। देखो ये एक लिस्टेड कंपनी है, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, तुम उसे बदलने का या ठीक करने का प्रयास मत करो। मैं उसे बदलने या ठीक करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ओवर स्मार्ट मत बनो, जब तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है तो ज्यादा मुंह मत चलाओ, समझ गए? चलो जाओ। सिर्फ तुम जा रहे हो, इसको कौन उठाएगा? हैं? सॉरी सर। और जिस चीज का सैलरी दिया है सिर्फ उसी का काम करो, समझे? मुझे ही काम देता है और क्या बोलूं। मैंने बताया था ना सर, यहाँ का अकाउंट्स अलग है, ओनर यहाँ रहता नहीं है और इनका ठीक से चलाने का मन नहीं है। अगर इन सब को पड़ी ही नहीं है तो हम क्यों मुसीबत गले मोल लें? पर ये सब तो बिल्कुल गलत है ना भाई। गलत? क्या गलत सर, आज तक ऐसा ही काम करके इन्होंने लाखों रुपए का गबन किया है। आप छूकर देखेंगे? देखो ना सर। डरो मत सर। ये इंसान की तरह नहीं है, बहुत ही प्यारे हैं, छूकर देखो। यहाँ बैठकर मत पियो। दो मिनट रुको, मैं पीकर चला जाऊंगा। मेरी दुकानदारी खराब होती है, फादर आएंगे तो मुसीबत हो जाएगी। फादर से नहीं डरता मैं। अरे यार तुम समझ में क्यों नहीं आता है, मैं यहाँ से पीकर बस निकल रहा हूँ। कहाँ से आ जाते हैं सर? जल्दी शुरू कर दिया क्या? कहाँ जा रहे हैं सर? गाँव जा रहा हूँ। ऐसा क्या? चलता हूँ भाई। एक मिनट, ये आपके बीवी और बच्चे को दे दीजिएगा। शादी नहीं। अच्छा तो मैं अपनी बीवी को दे दूंगा।
नहीं तो अपने माता पिता को दे दीजिएगा, ठीक है? बोलिए कि थिम्मन ने दिया था, थिम्मनन। ठीक है। नए सर जो है ना बहुत अच्छे आदमी हैं, शादी हुई नहीं है, पीते हैं नहीं। जहां चार यार मिल जाए। अरे जा ही रहा हूं ना। हमेशा चिल्लाता रहता है। चल। हरे कृष्णा, हरे राम। स्नेहा देखो कौन है। अरे तुम हो श्री, अंदर आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, मैं गांव जा रहा हूँ, दीदी ने बुलाया है तो इसलिए जाना पड़ेगा। रात के ट्रेन से निकलूंगा तो सुबह तक पहुँच जाऊंगा। वो लेटर मैंने राजू को दे दिया है और मैं इसीलिए आया कि मुझे पैसे चाहिए थे। ओ, इतना ही? आ जाओ। अरे शिव कुमार, आ जाओ आ जाओ, बैठो। और बताओ काम कैसा चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है सर। ऐसा लग रहा है कहीं जा रहे हो तुम। हाँ सर मैं घर जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्यों? कुछ पता नहीं, दीदी ने फोन करके बुलाया है। अरे प्रमोशन भी मिलेगा, देखते हैं। सारे यूनियन में बहुत सारे रईसों ने ज्वाइन किया है, मैं भी कुछ कोशिश करके देखता हूँ। ये लीजिए, वो बिना चीनी के है, पापा की। हाँ शुगर ज्यादा हो गया, अब क्या ही बताएं, लोगों का शुगर बीपी और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे कितने दिन की छुट्टी ली है? आजकल के बच्चे जॉब से खुश नहीं होते हैं। दीदी ने अर्जेंटली बुलाया इसीलिए जाना पड़ रहा है। पापा मजाक कर रहे हैं। तो अब मैं चलूं सर? अभी तो आए हो, इतनी क्या जल्दी है, बैठो ना। नहीं ट्रेन छूट जाएगी। अच्छा पापा मैं इनको ड्रॉप करके आती हूँ। चलो ठीक है सर, चलता हूँ। चले। एक्चुअली श्री मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम्हारी वो अनवांटेड कमिटमेंट ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ध्यान रखना अपना। तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। गलती नहीं निकाल रही हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए बोल रही हूँ। और ये फार्म बाहर से जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी नहीं है, अंदर से बहुत गंदी है। एक स्टेज के बाद मैं भी तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए बोझ हो गया। बोझ? ऐसा क्यों बोले तुम? ठीक है चलती हूँ, तुम जाके कॉल करना मुझे, मैं बस आने तक रुक जाती। नहीं नहीं तुम जाओ, घर में कुछ काम है इसलिए जाना पड़ेगा। चल। दीदी। हाँ श्री, तुम कब आए? बस अभी आया। तुम घर जा रहे हो? रुको मैं भी चलती हूँ। राजी जरा ये सब देखना, मैं घर से होकर आती हूँ। हाँ आओ। ऐसा क्या हुआ जो इतने अर्जेंट में बुलाया? बहन को देखने दो तीन लड़के आए थे। हाँ पापा ने लेटर में बताया था, पर वो किसी को हाँ नहीं बोली, लगता है किसी और से प्यार करती है। वो कंप्यूटर सेंटर में पढ़ती है ना, उसका ओनर है जो रफीक। रफीक? वही लड़का है। घुमा फिरा के बात मत कीजिए, नंबर दीजिए 888-462। ओके 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 ओके। अरे
कभी मंदिर भी जाया करो। अरे भाई मुझे पेट भरने का टाइम नहीं है तो मंदिर कहाँ से जाऊँ, तो मैं क्या करूँ बोलिए। सिचू तुमसे कितनी बार मैंने बोला है कि नारियल उतारा करो तो मुझे भी दिया। अगले हफ्ते आऊंगा दीदी। तुम हमेशा यही बात कहते हो। मैं क्या करूँ, बहुत बिजी हूँ। इस गांव में 10,000 से ज्यादा नारियल पेड़ है, सबको मुझे ही देखना है। वहाँ पे 2 नारियल पेड़ है जिसमें नारियल नहीं निकला है। अगले हफ्ते आऊंगा, चलता हूँ दीदी। रिंग हो जाओ, लड़की को कॉल करते हैं। दादाजी। अरे बेटा तैयार हो गई। बताओ क्या खाया तुमने? इडली। कितनी खाई? 3। गुड गर्ल। तुम्हें स्कूल जाके बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। अंकल। कैसी हो? अरे 9:30 हो गया, इसको स्कूल छोड़ के आना है। एलो। तुमने कुछ खाया? इसको इडली खिलाना बहुत बड़ी बात है, कुछ खाती ही नहीं है ये। अरे इसे कुछ समझाओ। ठीक से खाओगी तभी तो बड़ी होगी। हाँ, भैया मैं निकलती हूँ। ठीक है जाओ। बाय अंकल, बाय बाय। फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। तू रात की गाड़ी से निकला था क्या? नहीं, पढ़ाई था इसलिए सुबह निकला। तुम जाके नहा कर आराम कर लो। आपने खा लिया? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? और बहन के बारे में पता चला ना? हाँ दीदी ने बताया। मैंने अब तक उससे कोई बात नहीं की है, तू अपने हिसाब से बात कर ले। हमारे लिए कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम उससे एक बार बात कर लेना, ठीक है? वो तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था ना? मैं बात करता हूँ। और उसके बारे में प्रभाष सर ने बताया कि जॉन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से एक लेटर दिए तो सब लोग बोल रहे हैं कि एम्बेसी के थ्रू विचार कर सकते हैं। ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? देखते हैं। जिंदा है या मर गया है वो भी नहीं पता है। मेरी बेटी ऐसे ही जिंदगी जी रही है, वो अंदर ही अंदर घुटती जा रही है लेकिन बाहर किसी को कुछ नहीं दिखाती। सोसाइटी से 3-4 बार लेटर भी आ चुका है, अगर पैसे नहीं भरे तो जब्त कर लेंगे। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पढ़ाई खत्म करके काम शुरू करने तक मैं कैसे संभालूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। माधवन के बारे में तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, उन्हीं की वजह से तो मैं बैंक में प्रेसिडेंट हूं। पर अगर वही रूल्स ब्रेक करेंगे तो क्या करेंगे फिर? स्टाफ की प्रॉब्लम्स को रूल्स के हिसाब से ही ठीक करना सही रहेगा ना? पर माधवन ने क्या किया, झंडा पकड़ के मैदान में उतर गए। इस तरह की बातों से पार्टी पर दबाव नहीं बना सकते। सर मैं इस नोटिस के बारे में बात करने आया हूं। वही तो मैं भी बोल रहा हूं, मैं इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ, पर मैं अकेले कुछ कर भी नहीं सकता, सारा डिसीजन तो डायरेक्टर को ही लेना है। हाँ बोलो। सर वो लोन के बारे में बात करनी थी। वही बताया ना, इतनी छोटी सी जमीन के लिए इतना सारा एजुकेशन लोन हम नहीं दे सकते हैं। ऐसा मत बोलिए सर, नर्स की पढ़ाई करना मेरी बेटी का एक बहुत बड़ा सपना है। सुनो, वो सब सिर्फ पैसे वाले लोग ही पढ़ सकते हैं, तुम उसे TTC या टेलरिंग की क्लास करवाओ, समझे? देखो मार्च से पहले अगर तुमने कुछ पैसे दिए तो मैं आप लोगों की थोड़ी मदद कर सकता हूँ, समझ रहे हैं ना? तो बताओ कुछ दे सकते हो? ट्राई करूंगा सर। देखो यहाँ खड़े होकर कोई फायदा नहीं है, मैं बता रहा हूं ना। वर्किंग वीजा के लिए 10 लाख पे करना पड़ेगा, 5 साल के लिए हाई स्टडीज का वीजा दे सकते हैं हम लोग। स्टडी मतलब एक छोटा सा एडजस्टमेंट है, सिर्फ नाम के लिए कॉलेज ज्वाइन करना है और पार्ट टाइम के लिए एक जॉब सिर्फ 6 महीने के लिए।
उसके बाद वहाँ का हम सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब शेख को हम पूरी तरह से मूर्ख बनाएंगे। अब बैठो बैठो, एक मिनट। नो 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 नो, आप बिल्कुल मत डरिए। मैंने इस तरह के केस बहुत देखे हैं। अब आप एक बार यहाँ आइए तो सही, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, ओके? और कॉल करके आइएगा, ओके? ठीक है, ओके, चलिए। बताओ तुम कब आए? आज सुबह। मैं तुम्हारे बारे में हमेशा सोचता हूँ। दसवीं क्लास में टीचर ने मुझे कॉपी करने की वजह से क्लास से बाहर न किया होता तो शायद आज मैं यहाँ पर न बैठा होता। हाँ, तुम कुछ रिसर्च कर रहे हो ना? हाँ, हिंदी लैंग्वेज के बारे में। क्या, हिंदी के बारे में? बेवकूफ, आज के ज़माने में हिंदी के बारे में जानकर क्या करेंगे? तुम वो सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मेरा एक CPC स्कूल खोलने का प्लान है। तो हंस क्यों रहा है? इस टाइम मुंबई में पैसा कमाने के लिए सिर्फ 4 बिजनेस हैं, पढ़ाई, मेडिकल, डिबोटी और रियल इस्टेट है। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम एजुकेशन बिजनेस को ऊपर तक ले जाएंगे। मेरे पास जॉब है। ओहो, क्या काम है? मैं एक बिग फार्म में काम करता हूँ। ओहो, सुपर, बढ़िया है। ये बताओ, अच्छा तुम्हारी शादी सेट हो गई? नहीं। मेरे बारे में मैं तुम्हें सब खुल के बता दूंगा। हमारी चैटिंग से शुरुआत हुई, 10-15 साल से वो अपनी फैमिली के साथ फॉरेन में है। अभी कुछ दिन पहले मैं भी दुबई गया था। अगर सच कहूँ तो लड़की अच्छी नहीं है, बस ठीक ही है, लेकिन मैंने वो सब कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ पैसा देखा, सिर्फ पैसा। हाँ, और हाँ, अगले महीने मेरी इंगेजमेंट होगी तो मैं फोन करूँगा। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम है। तुम्हारी बहन भी तो ना, श्री इज वेरी स्मार्ट। यहाँ के स्टूडेंट को ना टीचर्स बहुत पसंद हैं। नर्सिंग बोरिंग होगा, एरोनॉटिक्स के लिए ट्राई करूंगी। एरोनॉटिक्स तो बहुत एक्सपेंसिव है, टाइम वेस्ट क्यों करना इतना? ये तो बहुत एक्सपेंसिव है सच्ची, तो क्या करें हम? दीदी, तुम्हारे काम का क्या हुआ? तुमने कुछ देखा? तो क्या हुआ? प्रॉपर्टी और पैसे के चक्कर में कुछ लोग बदल जाते हैं दीदी, ऐसा नहीं होगा। जैसा तुम सोच रही हो ऐसा नहीं है, उसकी शादी फिक्स हो गई है फॉरेन लड़की के साथ। अगर तुम्हारे मन में कुछ है तो उसे भूल जाओ। क्या हुआ? मैंने उसे सब कुछ बता दिया है। श्री, हाँ, अगर हम हमारे प्रेस को बेच दे तो ये कंप्यूटर वगैरह आने के बाद से प्रेस का कोई काम ही नहीं बचा है। अब प्रेस की किसी को जरूरत ही नहीं है। पहले बस टिकट का काम होता था, अब टिकट मशीन आने के बाद से वो काम भी नहीं है। एक मलयाली आया था, ज्यादा पैसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन उन पैसों से सोसाइटी का कुछ कर्जा तो उतार ही सकते हैं।
क्या नींद आ रही है? ये सुबह तक खत्म करके देना है, खत्म करते ही निकलते हैं। सर सर ये चेयर। हाँ से दबा के मालिश करो। सब बेचने के बाद इतना ही मिला है। और खाना खा के सो जाओ। आप सो जाइए और इस अलमारी में रख देना। गांव से वापस कब आए? अरे अरे ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? हा? कुछ नहीं, आइए। मेरा बुरा समय चल रहा था, मशीन कटर में हाथ आ गया। फिर क्या, मेरा तो पूरा हाथ ही कट गया होता, भगवान की कृपा से बच गया, पर दर्द बहुत हो रहा है। आप छुट्टी ले सकते थे ना? लीव मांगा था पर दिया नहीं। पर छुट्टी क्यों नहीं दी? ये तो अन्याय है। न्याय अन्याय की बातों का यहाँ कोई फायदा नहीं। कसाई को बकरे का दर्द कहाँ समझ में आता है? हायर ऑफिसर्स को हमारे दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, यहाँ काम करने वाला घायल हो गया है और उसे एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है, ये तो बहुत गलत बात है। आप रुकिए, मैं बात कर। जाने दो सर, क्यों फालतू मुसीबत मोल ले रहे हो? ये मुसीबत नहीं है, ये न्याय की बात है। अगर इसके लिए भी हम बात नहीं करेंगे तो फिर आपको यहाँ के बारे में कुछ पता नहीं है सर। वाह, वो देखो वापस चिल्लाने लगे। चलिए सर। अरे इस रिसेप्शन में तुम्हारा क्या काम है? मैं वो इतने दिन बाद आया तो भाई गाना मंडी। तुम इधर न्याय मांगने आ गए? नहीं, बस पूछने आया था कि हाथ में क्या हो गया है। अपने भाई का हाथ देखने आए हो क्या? तुम डॉक्टर हो? मैंने उसी दिन तुम्हें वार्निंग दिया था। हुँ? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। ये लास्ट वार्निंग है सर, छोड़ दीजिए। समझ में आया? याद रखो। हाँ। इन राक्षसों के दिल में थोड़ी भी दया नहीं है। उसे यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। नहीं सर, उसे यहीं रहना चाहिए और इन सब के बीच में रहकर ही उसे न्याय के लिए आवाज उठानी चाहिए। राइटर के नाम से इस समय बीच में आना, पता है कि जरूरत नहीं है, पर लगता है बीच में कुछ बातें करना बहुत जरूरी है। श्री कुमार, ग्रेटवे ऑफ पिक फॉर्म में काम के कुछ अंतिम दिनों में देखते हैं उस डायरी में आखिर लिखा क्या था। एक लड़का जिसके दिल में बहुत दिनों से प्यार था, कुछ स्थितियों में उसे हम बहुत कमजोर देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी में हुआ उसका सस्पेंशन और पिक फॉर्म में उसकी हालत
और उसके परिवार की स्थिति के बारे में इस डायरी में बहुत कुछ लिखा है। श्री कुमार का वो अनोखा गुण इस राजनीति की वजह से इस युवक को ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। नहीं तो हमें अक्सर देखना चाहिए कि लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है। के लिए ठीक नहीं है। मैं उनके पैर पड़ता हूं और आपको आपके पुराने जॉब में लेने के लिए बोलता हूं। नहीं भाई जी, आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है। आप तो पढ़े लिखे हैं और दूसरा काम मिल ही जाएगा। नहीं भाई, ये टेम्प्रोरी है ना, मुझे अभी इस जॉब की जरूरत है क्योंकि हर जगह हर काम में ऐसा कोई होता ही है, पर इस काम के बारे मुझे पता नहीं है, आपको ही सिखाना पड़ेगा। चिंडा चिंडा चिंडा, जब सबको मारने के लिए लेके जाते हैं तब मैं कुछ भी करके चिंडा को रोक ही लेता हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। एक वक्त खाना देने के बाद भी ये बहुत प्यार से रहते हैं, जब खिलाने वाले हाथ से ही मारना पड़ता है तो बहुत ही दुख होता है। ये अब हिल नहीं सकता है। सर आपको देख रहे हैं, उसे उसके कान के ऊपर रखना है, शॉक देते हैं उससे, मारते वक्त दर्द नहीं होता। वो स्विच है ना, उसे ऑन कीजिए। तुम्हारे बारे में मैंने सगा से बात किया था, उन्होंने कहा है कि तुम परमानेंट स्टाफ ना होने की वजह से इन सब के बीच में नहीं आ सकते। वो सब ऐसे ही बोलते हैं, तुम बीच में पढ़ सकते हो, वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे सगा और जीएम के बारे में पता है। जीएम बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत सालों से इस कंपनी में लाखों रुपए लूट रहा है। सगा को भी उससे कुछ शेयर्स मिलते हैं तभी वो चुप रहता है। यहाँ के लोगों को इसके बारे में सब कुछ क्लियरली पता है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, क्योंकि कोई विरोध करेगा तो उसका मुंह बंद हो जाएगा। अगर सच कहूं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जिस दिन मुझे कोई अच्छा काम मिल गया मैं इसे छोड़कर चला जाऊंगा, देखना तुम। ले 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 ले। श्री तुम वापस चले जाओ, मैंने ही तुम्हें बिना वजह यहाँ बुला लिया, इस नरक में रहने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके, मेरे लिए जॉब बहुत जरूरी है। अगर पापा को पता चला कि रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा मुझे भी नहीं पता। कल एमडी आ रहे हैं, कल पापा से उनकी बात कराऊंगी कि फिर से तुम्हें ऑफिस में ले लें वो लोग। तुम्हें कहीं ड्रॉप कर दूं? ठीक है, बाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही वर्क करने के लिए आया था। चलो पीछे बैठो। क्यों सर? तुम बैठो, कुछ काम है।
चलें। ये जगह कौन सी है पता है ना? बहुत लोगों ने यहाँ पर आके सुसाइड किया है, अनसक्सेसफुल लवर्स और जो लोग कर्जा नहीं चुका पाते ऐसे लोग ही सुसाइड करने आते हैं। सिर्फ सुसाइड करने के लिए नहीं, किसी को मारने के लिए भी ये जगह काफ़ी अच्छी है। तुम्हारी मौत नहीं मिस्टर श्री कुमार, नहीं श्री कुमार, मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन तुम्हें एक बात बतानी है। मुझे पता है कि तुम्हारी और स्नेहा की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ठीक है रहने दो, पर उसके आगे कुछ नहीं, ठीक है? समझ में आया कि मैंने क्या बोला रास्कल? मनिका, मनिका क्या है ये? ठीक से बाल संवारने चाहिए ना। अच्छा ठीक है, मैं कुछ खाना बनाकर तुम्हारे बाल ठीक कर देता हूं। हाँ ये लो खाओ, खाओ ना, ना लो खा लो बे, ये लो खाओ। आ, आ, न, आ। भाई, हाँ? अरे सर आप यहाँ बैठिए ना सर। ये मेरी बीवी मनिका है, ये बात नहीं कर सकती है। ये लो खाओ, खा लो। मनिका की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने पूजा पाठ सब कुछ करा के देख लिया लेकिन कोई फल नहीं मिला। अब तो और बुरा हाल हो गया है, घर से निकलते वक्त ताला लगा के जाना पड़ता है वरना घर छोड़ के चली जाती है। मनिका सर एक पैग पियेंगे? नहीं मैं नहीं पीता। पहले मैं भी शराब नहीं पीता था लेकिन अब तो दो पेग नहीं लगाया तो मुझे नींद ही नहीं आती है। चिप्स खाइए सर। हाँ आपके बीवी का ये हाल कब से है? 10-15 साल से है। ये एक बहुत ही लंबी कहानी है सर, आज तक मैंने किसी को नहीं बताई, बस आप ही को बता रहा हूं। मुंबई में मैं एक बहुत छोटे से गांव में रहता था, कूली का काम करता था, वहां दूसरे शहरों से गाड़ियां आती जाती रहती थी। वहीं पर मैं पहली बार मनिका से मिला था, वो भी वहां काम के लिए ही आई थी लेकिन वो अभी जैसी नहीं थी, देखने में बहुत सुंदर थी। उसका काम खत्म होने से पहले ही हमने शादी कर ली, हम दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। ए गाड़ी रोक, कौन है ये? मेरी पत्नी है। कहाँ से आ रहे हो? सिनेमा देख के आ रहे हैं। गाड़ी बढ़ाओ।
उस रात के बाद उसने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला, हंसी तक नहीं है। पुलिस कंप्लेन नहीं की है? केस से कोई फायदा नहीं है सर, वो लोग बहुत बड़े आदमी हैं, पुलिस भी हमेशा उन्हीं का सुनती है। मेरे घर वालों ने मणिका को छोड़ने के लिए बहुत फोर्स किया, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ सका। मैं उसे लेकर यहाँ गाँव चला आया। 5-6 दिन तक यहाँ वहाँ घूमते रहे और आखिर में यहाँ आ गए। सर आप शायद बोर हो रहे हैं। अभी हमारे रिस्पेक्टेड मैनेजर पिटफॉर्म के बारे में और नई टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सर हमारी गेटवे फ्रॉम कंपनी अभी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन किसी कारण से अभी पिटफॉर्म बहुत नुकसान सह रहा है। एनीवे उसे साइड में रखते हैं, लेकिन अभी कंपनी डाइवर्सिफिकेशन फॉर्म में है। गुजरात में हम फर्टिलाइजर फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं, उसके बाद हम बेंगलोर आईटी पार्क भी खोलेंगे। कुछ नंबर वन मल्टीनेशनल कंपनी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे और ऐसे ही काम करते रहे तो जल्दी सफलता मिलेगी। कंपनी आप पर विश्वास करती है और उस विश्वास को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू। पता है गुजरात में फर्टिलाइजर कंपनी शुरू होने वाली है? बहुत दिन से यही सुनते आ रहे हैं। अब पहले जैसी बात नहीं है, अब इस बार हो जाएगी। हाँ देखते हैं देखते हैं, कहीं कुछ भी हो जाए हमें क्या, अगर ये फार्म प्रॉफिट में चलेगा तो हमारा घर चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, देखते हैं क्या होता है। ये है मिस्टर वीरस्वामी। हेलो। आइए। हेलो। इनसे मिलिए। ये है मिस लीमिया। वेलकम मैडम। इस जगह में आपको ऐसी क्या खास बात लग रही है? मेरे पास जो है वो इससे भी ज्यादा सुंदर है। मैडम यहाँ पर 150 हेक्टेयर बारिश होती है, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा होती है, और पूरे साल भर पानी की कभी कमी नहीं होती है। हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन सर इनसे मिलिए। ये है मिस लीमिया, ये यहाँ के बारे में और इस जगह के बारे में आपकी पूरी मदद करेंगी। ओह आई सी। ओके सर, अभी के लिए आप जा सकते हैं। टेक योर ऑन टाइम, सी यू लेटर। ओके प्लीज कम। या सिट। तो आप अपने बारे में बताइए। मैनेजमेंट के इंटरेस्ट के बारे में ही बोल रहा हूँ, किसी भी इशू और मुसीबत के बिना ये काम होना चाहिए। आपको क्या चाहिए ये मुझे क्लियर बताइए, ऐसे घुमा के बात करोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो भूमिनाथ, तुम्हें ही पहले शुरू करनी है, अगर तुम बीच में पड़े तो इशू दूसरी लाइन में चला जाएगा। इन हालात में ऑर्गेनाइजेशन को सेव करना ही बहुत ज़रूरी है, समझे? अरे झगड़ा करना बहुत आसान नहीं है, बहुत खर्च होगा, समझ गए? मुझे पता है, पहले तुम्हारे यूनियन से ही स्ट्राइक शुरू होना है। इनके लोग इनकी बातें कभी सुनते ही नहीं है। वो कोई भी बात हो बिना रीजन के स्ट्राइक शुरू नहीं कर सकते, कोई अवेलेबल पॉइंट होना चाहिए जो मस्ट है। हाँ रीजन हम लोग तैयार कर लेंगे, है ना डॉक्टर? आप लोग एक काम कीजिए, हमारी प्रॉपर्टी के 3-4 एकड़ एरिया में इकोलॉजिकल इम्बेलेंस के तौर पर एक रिपोर्ट सेक्रेटेरिएट में है, आपको उसे वहां से चुराना है। मिनिस्टर बहुत सख्त इंसान है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, पैसा हम लोग देंगे।
चलता हूँ। मेरी मनिका चली गई सर। उसके भाई आकर उसे गांव लेकर चले गए। कहते हैं मंगलापुर ले जाकर उसका इलाज करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसके नाम पर गांव में एक प्रॉपर्टी है, उसे बेचने से अच्छे पैसे मिलेंगे। अब वो एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, इसलिए अब वो लोग उसे अपनाने आए हैं। ये सब प्लान है मुझे पता है, लेकिन मैंने उन्हें रोकना नहीं चाहा। जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा नहीं हो तो, सच में ट्रीटमेंट के लिए लेके गए हो तो मैं उनकी रुकावट नहीं बनना चाहता। जो कुछ भी हो, है तो उसके सगे भाई ही ना। कोई बात नहीं, जाने दो। इसी तरह एक दिन नाइट ड्यूटी में मैंने एक नीले सांप को देखा, उसी दिन से मैंने टॉर्च लाना शुरू कर दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कोशिश की तो थी, लेकिन रोक नहीं सका। अब मैं जब तक पीता नहीं हूं तब तक नींद ही नहीं आती। इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं। चिल्ला चिल्ला रहा है ना। एक मिनट सर। चिल्ला चिल्ला सर, चिल्ला सर। देखिए ना, चिल्ला को कुछ हो गया है, वरना ऐसे चिल्लाता नहीं है। मैं जाके डॉक्टर को लेके आता हूं। सर, डॉक्टर सर। कौन है? फिन नैया। सर, डॉक्टर सर, हमारे चिंडा को कुछ हो गया है। वो पागलों की तरह इधर उधर दौड़ रही है और चिल्ला रही है। जाओ, तुम जाकर सो जाओ। नहीं होगा सर, आप प्लीज चलकर देख लीजिए ना सर कि उसको हुआ क्या। ठीक है, चलो चलते हैं। जल्दी आइए सर। चिंडा, अब ये गड्ढा खोदकर इसे उसमें डाल दो। चिंडा को क्या हुआ है सर? कुछ तो कीजिए, कुछ तो दवाई दीजिए ना सर। क्या दवाई देनी है तुम मुझे मत बताओ, मैं जो बोलता हूँ वही करो। सर, इसके बारे में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, तो उससे भी बोल रहा सर। चिंडा, चिंडा, चिंडा। मैं जिससे भी प्यार करता हूं वो मुझे छोड़कर चले जाता है सर। मैं जिस किसी से भी सच्चे दिल से प्यार करता हूं वो मुझे छोड़कर चला जाता है। डेविड भैया, क्या मुझे तो उस डॉक्टर पर ही शक है। जिस दिन चिंडा की मौत हुई थी डॉक्टर के बर्ताव में कुछ तो अलग था। अरे, तिमिया ने भी मुझसे इस बारे में बात किया था। तुम्हारी और उसकी बातों में कुछ ना कुछ तो सेम है। लगता है तुम लोगों का। अरे डेविड, तू यहाँ बैठा है, तुझे तो दुकान जाने बोला था ना। अगर तू सामान लेकर आएगा तभी तो कुछ कर सकते हैं ना। अरे वो मैं भूल गया। हाँ, जल्दी जा। ये खाली 24 घंटे पीने के बारे में सोचता है बस। हेलो डॉक्टर साहब।
अरे अयो, अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। फंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ। जब मैं 14 साल का था तब पापा ने क्रिसमस में मुझे एक पैक डाल के दिया था। बस एक पैक से शुरू किया था, आज मैं पापा से भी ज्यादा पीता हूँ, सच बोल रहा हूँ भाई। हा? अरे मुँह क्या देख रहे हो? अरे मुझे बचाओ। क्या हो गया? ये ऐसे क्यों गिर गया? अरे चलो वहाँ क्या इसको देखो कोई, पता नहीं इसे क्या हो गया, ज्यादा मुझे हॉस्पिटल ले चलो। पता नहीं ऐसे क्यों क्या हो रहा है, कोई इसकी मदद क्यों नहीं कर रहा? मुझे बचाओ। ये क्या बात है, ये तो बंदा नहीं हुआ, पता नहीं सर पीछे कुछ बक रहा है। नहीं मुझे नहीं लगता कि ये इसकी तबीयत खराब है, कुछ पूछो तो। मुझे इसको देख के अजीब लग रहा है। सर सर मुझे बचा लीजिए, सर मुझे बचा लीजिए। भाई तिमन्ना, सर 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 मुझे कोई भी हॉस्पिटल ले चलिए, सर मुझे बचा लीजिए, सर मुझे हॉस्पिटल ले चलिए, सर किसी भी हॉस्पिटल, सर मुझे बचा लीजिए, सर भाई सर, नहीं है। सर चाहिए आप जाकर ऑटो लेकर आइए। सर सर कोई जल्दी जाकर ऑटो लेकर आओ। हाँ शायद ज्यादा पी क्या है, ज्यादा पी लिया। अरे ऑटो लेकर आओ। आजकल मुंबई के मशहूर पिग फार्म से खबरें आ रही हैं कि आए दिन कई सुअरों की मौत हो रही है, और खबर ये आ रही है कि वहाँ पर काम करने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आगे की खबर और भी डिटेल में बताने के लिए हमारी रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद हैं। लगता है पिग्स के बीच में एक नया डिजीज फैला हुआ है। अभी तक हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से आधा दर्जन से ज्यादा सुअर अभी तक मर चुके हैं। सुचिता खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर एक आदमी की जान चली गई है, तो उसके बारे में क्या जानकारी है? 14 साल से यहाँ काम करने वाला तिन्मया मर चुका है, लेकिन उसकी मौत का कारण किसी को अभी तक पता नहीं है। अभी होने वाले पोस्टमार्टम के बाद ही इसके बारे में कोई जानकारी हमें मिल सकती है। और इसके बारे में मैनेजमेंट का क्या कहना है? मैनेजमेंट का ये कहना है कि चिन्मया की ज्यादा ड्रिंक करने के कारण मौत हुई है। जो लोग उनके साथ काम करते थे उन लोगों ने ये बातें बताई है। आइए बात करते हैं रेस्पेक्टेड डेविड से। अब आगे जो भी इसमें बोला जाएगा मैनेजमेंट इसमें सही बोलेगा। हम तिमन्ना की मौत के कारण को जानना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। मौत का सही कारण चाहिए इसको, जैसा हमने सोचा था वैसे ही चल रहा है इसका। क्या रे तुम्हें क्या हुआ? बात हाथ से निकल जाएगी क्या? नो नेवर, मेरा प्लान आज तक कभी फ्लॉप नहीं हुआ है। आपको श्री कुमार पर नजर रखनी होगी। वो क्या करेगा, वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो पढ़ा लिखा है। उसकी वजह से हमारा प्लान फ्लॉप नहीं होना चाहिए। तो हम आज ही उसे यहां से जाने के लिए कहेंगे। नहीं तो क्या करना है? दोस्तों कंपनी में हुई मुसीबत के बारे में बात करनी है, आगे फ्यूचर में क्या करना है उसके बारे में हम यहां बात करने आए हैं। इस बारे में डिटेल में बात करने के लिए मैं अपने कलीग्स को बुलाता हूं। सुनो भाइयों, बहुत ही बुरी और दर्दनाक घटना है ये। जो कुछ भी हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। यहाँ के सुअरों को कोई बीमारी तो फैली हुई है, हर रोज़ कोई ना कोई सुअर मर रहा है। उससे भी बड़ी बात, हमारे साथ काम करने वाले हमारे अपने भाई, हमारे अपने तिमैया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी हमारे अपने मैनेजमेंट से कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है हमें। जब बम्बई जल गया था बीन बजा के आनंद लेने वाले नीला चक्रवर्ती जैसे कुछ लोग हैं, मैनेजमेंट के लोग कुछ लोग लीव लेकर बाहर गए हैं। मैनेजमेंट टीम के इस तरह के व्यवहार के विरुद्ध हमें आवाज जरूर उठानी चाहिए। हमारी स्ट्राइक को आज से और अभी से शुरू करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, इस सब के बाद ही फॉर्म खुले तो ठीक है। हमें स्ट्राइक नहीं करना है, हम चाहे जितना भी स्ट्राइक कर ले ये जीव ऐसे ही मरते रहेंगे। ये जानवर का मरना बड़ी बात है या इंसान का मरना? वो क्या कोई भी जीव हो, जानवर या इंसान, कोई भी नहीं मरना चाहिए।
उसके लिए जल्द से जल्द हमें कुछ न कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। कोई बीमारी तो फैली हुई है, स्ट्राइक करने से कोई फायदा नहीं होने वाला। सुनो भाइयों, हमें एक चीज समझना पड़ेगा, अगर स्ट्राइक हुई तो हम लोगों से ज्यादा कंपनी के लिए फायदेमंद होगा। सुअर को मिलने वाली दर्दनाक मौत, मैनेजमेंट ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। काम करने वाले ये सब देखकर डर जाएंगे और वो लोग कंपनी बंद करके चले जाएंगे। इसीलिए कंपनी के नाम पर जो भी प्रॉपर्टीज है वो लोग सब फॉरेन वाले को बेच देंगे, उनका होटल रिसोर्ट सब कुछ इधर आ जाएगा। तुम जरा चुप बैठोगे? सुनो भाइयों, सब कुछ उसी तरह चल रहा है। फॉरेन के कुछ बिजनेसमैन यहाँ आए हैं, वो लोग कुछ तो डील फाइनल किए होंगे। शिव कुमार की बातों में दम है, पिछले हफ्ते कुछ फॉरेनर हमारी कंपनी में आए थे, संदेह पूर्वक बात तो है। कोई भी इंसान कुछ भी आकर बोल दे तो उसकी बातों पर विश्वास मत करिए। कोई कुछ भी बोले, हम ये स्ट्राइक जरूर करेंगे। नहीं कलीग्स, हमें और भी सोचना चाहिए। श्री कुमार की बातें अगर सच हो तो इसमें आपको संदेह क्या है? नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। इसमें कोई संदेह नहीं है, हम ये स्ट्राइक जरूर करेंगे। अगर किसी को जाना है तो जा सकता है, सब लोग अलग अलग कोई फैसला नहीं करता है। मैं इतना जानता हूँ कि सबके फैसले एक साथ ही होते हैं। किसी बाहर से आए हुए आदमी को सपोर्ट मत करो, तुम जाओ यहाँ से। ये बोलने के लिए तुम हो कौन? तुझे बताऊँ मैं कौन हूँ? अरे तुम शांत बैठो ना। अरे झगड़ा मत करो। मैंने कोई बात नहीं करी थी। तुम यहाँ किससे शुरू करी है? तुम क्या बात कर रहे हो? बिना बात का झगड़ा क्यों शुरू किया था? अब मैंने ये बात कब किया? मैंने कौन सी गलत बात बोली है? तुम लोग मुझसे झगड़ा? सब लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। तुम लोग समझते क्या? शांत हो जाइए प्लीज, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। मेरी बात मानिए, सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देख लेना, बैठ जाओ। मेरी बात मानो, सब लोग बैठ जाओ अपनी अपनी जगह पर। नहीं कलीग्स, आप बैठिए मत, आपको जो करना है वो करिए, हम लोग जाते हैं। चलो कलीग्स, चलो हम लोग चलते हैं। ए, चलो सब लोग। हाँ चलो, यहाँ कोई नहीं बैठेगा। चलो चलो चलो, सब चलो, यहाँ बैठो। सबकी बातें सुनने के लिए आए थे, बात मेरी तरीके करवा दिया, यहाँ पर लाके आपको बुलाया था। हमको यहाँ पर हमारा आना ही गलत हो गया। हाँ, अगर उन्होंने स्ट्राइक करने के लिए बोला तो स्ट्राइक करेंगे, पत्थर मारने के लिए बोला पत्थर मारेंगे, आग लगाना है तो आग लगाएंगे। ऐसा ही कर करके सारी कंपनियां बंद हो गई, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, तुमने ये बताकर बहुत अच्छा किया। वैसे भी अभी एमडी सर आ गए, अभी इसका जवाब पता चल जाएगा। कौन एमडी? कितने बार देखे हो एमडी को? अरे तुम कैसे ओनर हो यार, उन लोगों को साथ में रखकर एटलीस्ट एक स्ट्राइक तक नहीं कर पाए तुम, तो तुम किस बात के ओनर हो यार, बोलो। अरे वो नालायक बीच में आ गया। अरे तब तुमने ही तो उसके लिए रिकमेंडेशन की थी ना। वो मेरी बेटी ने बताया इसीलिए। अगर तुम्हारी बेटी उससे शादी करने के लिए बोलोगी तो करा दोगे? मिस्टर दानिया, हमें ये सब चीज छोड़कर अब आगे क्या करना है ये सोचते हैं। खाली हम स्ट्राइक शुरू करेंगे, उसके लिए तुम्हारे ये वर्कर लोग मानेंगे क्या? कौन? डेविड? हाँ, उसे पटा लेंगे, उसको पैसे की भूख चढ़ी है। अगर उसको कुछ पैसे देंगे तो वो शांत हो जाएगा। मैंने उसको भी बुलाया है यहाँ पर। अगर वो नहीं माना तो उसे डिसमिस कर देंगे, ये कारण काफी है स्ट्राइक शुरू करने के लिए। हाँ ये अच्छी बात है। हाँ, वही होगा। यस कम इन। सर आपने बुलाया? हाँ, तुम्हारे बारे में ही यहाँ बात कर रहे थे। तुम्हें पैसों की कुछ प्रॉब्लम है क्या? मुझे पता है कि सैलरी से तुम्हारा ये लाइफ काटना थोड़ा मुश्किल है। वो क्या है ना सर, हमारे कंपनी में किसी व्यक्ति से एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उसे कंपनी में रखने का क्या फायदा? क्या बोलते हो? तुम्हें गुजरात की फर्टिलाइजर कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दे रहे हैं, ये प्रमोशन ट्रांसफर समझना। सर इतनी दूर? देखो मिस्टर, आपकी प्रेजेंट सैलरी से वो 3 गुना ज्यादा है, बहुत सारे फैसिलिटीज भी हैं, और दूरी के बारे में मत सोचना। बोलो, खुश हो ना? परसों तुम्हें जाके वहां ज्वाइन होना है, जाने से पहले सारी तैयारी कर लो। ओके सर। और दूसरों की बात, उसे डिसमिस कीजिए। अरे मुझे पता था कि तुम ऐसी ही बात करोगे। वो अगर बाहर गया तो पहली मुसीबत हम पे ही आएगी, समझ गए? मीडिया और न्यूज़पेपर वाले ऐसी मसालेदार खबर के लिए वेट कर रहे हैं। तो हम उसका क्या करें?
एक और रास्ता है, उसे शॉक ट्रीटमेंट देकर फिर हम उसे बोन ब्रेकिंग फैक्ट्री में भेज देंगे, ये ठीक रहेगा। उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है, मुझे यहाँ से भगाने के लिए इन लोगों ने जानबूझकर ये सब किया है। उन्हें पता है कि अगर ये काम मेरे हाथ से चला गया तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ध्यान से रहना, तुम पर उनकी नजर है। मेरी बात सुनो, तुम यहां से चले जाओ। बस थोड़े ही दिन हम लोग साथ में रह पाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोगों ने काफी टाइम साथ में बिता दिया हो। चलता हूं, जल्दी कहीं ना कहीं मिलेंगे। ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डरो मत, तुम्हारी जान नहीं जाएगी इससे। 220 रेंज में एक छोटा सा शॉक ट्रीटमेंट है। इसके बाद तुम कभी नहीं भूल पाओगे। ए सुनो, जैसा मैंने बोला वैसा ही करना। ओके सर। नीचे उतर रहे। हम लोग डॉक्टर के कहने से यहां आए। हम चले गए। ठीक है। हाँ। ए गाड़ी निकाल। तो यहां कहीं पर भी सो जा।
मैं ये पूछ रही हूँ, आप किसकी तरफ हो? मैनेजमेंट की तरफ या? तुम्हें ऐसा शक क्यों है? कंपनी फार्म पे ताला लगा के सुना है कि किसी फॉरेन वाले को ये लोग अपनी कंपनी बेचने जा रहे हैं, और ये दर्द स्ट्राइक कंपनी ने सब जानबूझ के किया है। सुनने में आया है कि आपने और कंपनी वालों ने मिलकर ये फैसला लिया। तू अभी बच्ची है, ये सब बातें तुम्हारी समझ से बाहर है। क्या है मैडम? क्या हुआ मैडम? यहाँ और कोई है क्या? एक और है। कहाँ है? अंदर है। चलिए। उस तरफ से जाइए। ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हें क्या हुआ? देखो, तुम्हारे पापा तुम्हें लेके जाने आए हैं। बेटा, तुम्हें क्या हुआ है? यूनिवर्सिटी से निकाल देने वाली बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? जो भी हुआ उसे भूल जाओ। चलो, हम अपने घर चलते हैं। चलो, चलो। साल 2012, मई महीना, तारीख 27, उस दिन उस डायरी में जो लिखा था वो खत्म हो रहा है। पूरा मनुष्य जाति समानता, न्याय, स्वतंत्रता मिलने के बारे में काफी गहराई और जांच पड़ताल जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे बहुत सक्रिय रखा था। उसके साथ साथ फ्यूचर, निष्पक्षतावार, पढ़ाई, रिसर्च, सभ्य, लगता है कुछ ही लोगों को वो सुविधाएं मिली। ये भेदभाव मुझे बहुत दुख पहुंचा रहा था। कल तक जो मैंने देखा था उसके बाद मैं कोई भी राजनीति या संशोधन नहीं देख सकता था। बहुत विषयों पर स्ट्राइक करके बहुत लोगों से संबंधित दबा हुआ मनुष्य जीवन बहुत ही संकटों को महसूस करा देता है। मैंने ऐसा लिखा है। आखिर में मैं जिस भी पथ पर चला हूँ उसके लिए धन्यवाद।